रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर से। दरअसल खबर यह है कि राजस्थान में जल्दी पंचायत चुनाव होने वाले हैं और इस पंचायत चुनाव से पहले सचिन पायलट बहुत बड़ा कदम उठा सकते हैं, यानी सचिन पायलट पार्टी से अलग हो सकते हैं। अगर पंचायत चुनाव से पहले सचिन पायलट पार्टी का साथ छोड़ देते हैं तो अशोक गहलोत की कुर्सी गिरना तय है। राजस्थान कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी, सोनिया गांधी के सारे प्लान धरे के धरे रह जाएंगे, ना मंत्रिमंडल का विस्तार हो पाएगा, ना सरकार आगे चल पाएगी और ना ही गहलोत का मनमाना रवैया रहेगा। दरअसल पूरी खबर क्या है और क्या हालात राजस्थान कांग्रेस में बने हुए हैं, ये पूरी जानकारी अब हम आपको देंगे। इसके साथ ही साथ विस्तार से ये भी बताएंगे कि क्या वजह रही है गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही नाराजगी की और किस तरह अब खुलकर बगावत हो उठी है, यानी कि सचिन पायलट ने बगावत कर दी है अशोक गहलोत के खिलाफ। अंदर ही अंदर गुपचुप मीटिंग चलती है और विधायकों को लेकर जमावड़ा इकट्ठा किया जाता है। जी हां, दौरे पर दौरे हो रहे हैं, विधायकों से तालमेल बनाया जा रहा है, संपर्क भी साधा जा रहा है, यानी कि कोई भी छोटी गलती ना रह जाए, कोई कोर कसर ना रह जाए, यानी कि काफी हद तक ये लड़ाई अब आगे जा चुकी है और इस लड़ाई का समापन कैसे होगा ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना तो तय है, अगर गहलोत ने नीचे झुकने का काम नहीं किया और अगर गहलोत की अकड़ इसी तरह रही तो शायद वो वक्त भी दूर नहीं जब राजस्थान कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी और पार्टी पूरी तरह टूट जाएगी। आपको बता दें, सचिन पायलट और गहलोत के बीच बीते काफी महीनों से सियासी घमासान छिड़ा हुआ है और ये घमासान आज का नहीं है, बीते कई महीनों का है। वजह भी सुन लीजिए, वजह यह है कि गहलोत ने शुरू से सचिन पायलट और उनके विधायकों को नीचा रखने का काम किया। यहां तक कि राजस्थान की जो विधानसभा है वहां पर सचिन पायलट के विधायकों के साथ जो भेदभाव किया ये भी पायलट बर्दाश्त नहीं कर पाए। हालांकि अभी तक सचिन पायलट खुलकर गहलोत के खिलाफ नहीं बोलते थे, उन्होंने गहलोत का एक एक रवैया देखा और गहलोत के एक एक रवैये को सहन भी किया, लेकिन पानी तो अब सर से ऊपर जा चुका है। पानी सर से ऊपर जाने के बाद सचिन पायलट का फैसला भी आ चुका है, अगर आर पार की लड़ाई लड़नी है तो गहलोत से लड़ेंगे और हक तो लेकर रहेंगे। यहां तक कि सोनिया के खिलाफ भी आवाज खड़ी कर चुके हैं और कह चुके हैं कि अगर पार्टी में बड़ी जगह नहीं मिलती है, उनके समर्थकों को जगह नहीं मिलती है, तो शायद पार्टी छोड़ने के लिए स्वतंत्र फैसला भी लेंगे। इस वक्त राजस्थान कांग्रेस में जो सियासी हलचल बनी हुई है ये बताता है कि किस तरह से पायलट और गहलोत खेमा बढ़ चुका है और जीत पायलट की होती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि सचिन पायलट ने जिस तरह अशोक गहलोत के खिलाफ हल्ला बोल दिया है और जहां तक की अगर बात करें तो पंचायत चुनाव से पहले माहौल और गर्मा गया है, यानी कि जिस तरह की स्थिति बनी है इसे ना तो सोनिया संभाल पा रही है ना ही अजय माकन। अजय माकन पर जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि गहलोत और पायलट के झगड़े को सुलझाया जाए, थक हार कर माकन भी हार गए। अब फैसला आता है सोनिया पर। सोनिया दिल्ली से बैठकर क्या फैसला ले रही है ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन सोनिया ना सचिन के खिलाफ बोल रही है ना गहलोत के खिलाफ, यानी कि देखा जाए तो फिलहाल लोहा गर्म है और अगर हथौड़ा मारा जाता है तो लोहा टूट जाएगा, जिससे बहुत बड़ी स्थिति राजस्थान कांग्रेस में खड़ी हो जाएगी। सोनिया ये बात जानती है कि एक बयानबाजी सरकार गिरा देगी, राजस्थान कांग्रेस की स्थिति को तोड़ देगी, इसीलिए सोनिया गहलोत और सचिन दोनों के साथ मिलकर काम कर रही है, यानी 50-50 का काम किया जा रहा है। अगर 50% सचिन पायलट के बारे में सोचा जाता है तो 50% गहलोत के बारे में भी। ये बात भूलना भी नहीं चाहिए कि गहलोत का राजस्थान में कितनी मजबूत पकड़ है, गहलोत के साथ भी विधायकों की संख्या कम नहीं है और गहलोत के साथ जिस तरह से विधायकों की संख्या है, गहलोत गांधी परिवार के करीबी हैं, ये बात सोनिया भली भांति समझती हैं। लेकिन नाराज सचिन पायलट को और नाराज भी नहीं किया जा सकता, पहले की बात कुछ और थी और मौजूदा समय की बात कुछ और है।
जिस कम समय में सचिन पायलट ने लगातार कई समुदाय के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया, जिस तरह कई समुदाय के लोगों को अपने साथ जोड़ा, यहाँ तक कि युवाओं को भी जोड़ने का काम सचिन पायलट ने किया, और स्थिति क्या बनती है कि पूरी ही राजस्थान की जनता सचिन पायलट के साथ आकर खड़ी हो गई। यही वजह है कि राजस्थान में अब जगह जगह पोस्टर भी लगने शुरू हो गए। पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो सचिन पायलट को बनाया जाए, क्योंकि सचिन पायलट युवा नेता हैं, युवा कंधे पर जिम्मेदारी दी जाएगी तो पार्टी भी बेहतर चलेगी और जनता का ख्याल भी रखा जाएगा। इसका कुल मिलाकर हिसाब किताब ये बनता है कि गहलोत से अब दूरी बना रहे हैं राजस्थान की जनता भी और उनके अपने करीबी भी। हालांकि वो बात अलग है कि तस्वीर अभी खुल कर नहीं निकल कर आई है, यानी पिक्चर अभी बाकी है, और फिलहाल हालात कुछ इस तरह के बन चुके हैं कि चिंगारी उठ रही है, और अगर ये शोला बनती है तो पूरा ही भपका निकलेगा और कौन कौन इसमें आ जाएगा ये नहीं कहा जा सकता। यानी कि इस वक्त राजस्थान कांग्रेस की स्थिति बहुत ही पेचीदा बनी हुई है। हालांकि अगर बात करें तो फिलहाल सोनिया बड़े ही ठंडे दिमाग से काम कर रही हैं और इस लगी आग पर पानी डालने का काम पूरी तरह किया जा रहा है, यानी कि काम भी हो जाए और स्थिति भी सुधर जाए। हालांकि गहलोत और पायलट दोनों का ख्याल जिस तरह रखा जा रहा है, इसका मतलब यह है कि नाराज ना तो गहलोत को किया जाएगा ना पायलट को, लेकिन सोनिया की रणनीति से ऐसा नहीं होता दिखाई दे रहा है। सोनिया भले ही रणनीति बना रही है लेकिन पायलट तो कुछ और सोचकर बैठे हैं। पायलट सोचकर बैठे हैं सीधा सीएम की कुर्सी पर। बीते काफी वर्षों से सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए, पार्टी को मजबूत करने में सचिन पायलट ने अपना पसीना बहाया है। यहाँ तक कि सचिन पायलट ने राजस्थान की जनता को अपने साथ जोड़ने के लिए साम दाम दंड भेद का हर तरीका भी अपनाया, और देखा जाए तो सचिन पायलट ने पार्टी को जो मजबूत किया है, इस बात को राजस्थान में बीजेपी के कई नेता भी मानते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो फिलहाल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सचिन पायलट ने पार्टी को मजबूत नहीं किया है। हालांकि अगर देखा जाए तो पायलट और गहलोत की जंग में जनता पायलट के साथ खड़ी है। फिलहाल क्या कुछ स्थितियां बनती हैं ये तो हम आपको जानकारी देते रहेंगे, लेकिन पंचायत चुनाव से पहले अगर पायलट ने पार्टी का साथ छोड़ दिया तो गहलोत के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएगी, क्योंकि अशोक गहलोत जो हैं उन्हें अपनी पूरी स्थिति बतानी पड़ेगी और उनके साथ कितने विधायक हैं इसके बारे में भी जानकारी देनी होगी। कहीं ऐसा ना हो मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरह अपनी पार्टी का साथ छोड़ा, विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए, कमलनाथ की सरकार तुरंत गिर गई। ऐसा हाल राजस्थान में भी हो सकता है। क्या कुछ स्थितियां बनेंगी इस बात की जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल राजस्थान कांग्रेस की स्थिति कतई ठीक नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।